जैसे कि आपको बताइए कि मैं हर बार फ्रॉड के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, हैकिंग के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, ये आपको बताता रहता हूँ कि कैसे आप हैकिंग से बच सकते हैं, कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे वैसे तो बताते थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, बट मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस वीडियो को देखने वाले कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने स्मार्टफोन में या फिर कंप्यूटर में पॉर्न देखते होंगे। ये क्या बात करते हैं यार? और अभी फिलहाल मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि पॉर्न देखना सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा अभी एक आए हुए नए फ्रॉड के बारे में, एक ऐसी हैकिंग सिस्टम जिससे आप अगर पॉर्न वेबसाइट पे जाते हैं तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाए। क्योंकि यहां पर आपके सामने यूज किया जाता है आपके ही डर को, आपको डराकर आपके पास से पैसे निकाले जाते हैं। मैं नहीं मानता। अब आप कहेंगे भाई कैसे, तो देखिए कई सारी ऐसी पॉर्न वेबसाइट है जहां पर विजिट करने के बाद कहीं पर भी क्लिक कर दो ढेर सारी एड्स जो है वो आती रहती है, बट अब इन एड्स के अंदर एक पॉपअप विंडो भी आएगा और वो दिखाई देगा कुछ इस तरह का। यहां पर लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और इसे देखकर हो सकता है कि आप डर जाए और साथ साथ में यहाँ पर पुलिस वाला सायरन भी बजने लगेगा, आपका स्मार्टफोन हल्का फुल्का वाइब्रेट भी करने लगेगा और साफ तौर पे लिखा होगा कि भाई आपके स्मार्टफोन को या फिर लैपटॉप को ब्लॉक कर दिया गया, आपके ब्राउजर को ब्लॉक कर दिया गया है और आप कहीं पर भी कुछ भी क्लिक करो कुछ नहीं होगा। एक तरह से आपको ऐसा ही लगेगा भाई ये सब कुछ लॉक हो गया है और आपसे कुछ कहेंगे कि भाई पैसे भरने पड़ेंगे, आपको फाइन देना पड़ेगा और फाइन होगा 25,000 से लेके 29,000 रुपए तक का, ठीक है, और उतना फाइन आपको 6 घंटे के अंदर भरना है। कई जगह पर आपको टाइमर भी मिल जाएगा, कई जगह पर आपको कहा जाएगा कि 1 दिन के अंदर अंदर आप पैसा भर दो नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब जो लोग इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो इसका URL चेक करेंगे, तो URL अगर आप चेक करोगे तो URL भी बिल्कुल रियल URL होगा। आप कहेंगे भाई अब तो गए काम से, अब तो पैसा भरना ही भरना है और इसके चक्कर में कई लोगों ने तो डर के मारे अपने स्मार्टफोन को रिसेट कर दिया, कई लोगों ने तो भाई सिम कार्ड ही चेंज कर दिया और कुछ लोगों ने डर के मारे पैसे भी भर दिए। अब यहां पर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको ये वाला विंडो देखने को मिला था और अगर मिला था तो भाई आपने क्या किया, आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अब मैं आपको इस पॉपअप विंडो का राज बताता हूं। तो ये एक ऐसा विंडो होता है जो फिट टू स्क्रीन हो जाता है, यानी कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे पॉर्न देख रहे हैं और ये विंडो आता है ना तो ये आपके स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप की फिट टू स्क्रीन पर सेट हो जाता है। जहां पर ऊपर की तरफ आप URL देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यार ये तो ऑफिशियल गवर्नमेंट का URL है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे देख रहे हैं और F11 दबाएंगे ना तो ये फिट टू स्क्रीन जो है ना वो नॉर्मल स्क्रीन हो जाएगी और नॉर्मल स्क्रीन होते ही ऊपर की तरफ आप इसका फेक URL देख पाएंगे। फेक URL बोले तो यहां पर आपको 2 URL देखने को मिलेंगे। जो पहला URL है वो आपको डराने के लिए बनाया है ताकि आप डर जाए और पैसे दे दे, और ऊपर वाला जो URL है उसी URL के थ्रू ये पॉपअप विंडो आपके सामने आया है। तो आप ऊपर वाले URL को देखें तो ये तो कोई अगड़म बगड़म वाला URL है, ये तो कोई सही URL है ही नहीं, ये कोई सही वेबसाइट से आया ही नहीं है। नीचे वाला जो URL है वो एक तरह की इमेज, एक तरह का फोटो है और जिससे आपको ये डरा कर आपके पास से पैसे निकालना चाहता है। इस चीज को लेकर कई सारे न्यूज आर्टिकल भी आए हैं, कई सारे ट्वीट भी हुए हैं जो कि अभी आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कोई पेज नहीं है किस तरह से पॉर्न वेबसाइट पर आपके सामने आ जाएगा और आपके पास से पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा कोई पेज आपके सामने आता है तो समझ लीजिएगा कि यहां पर हैकिंग की जा रही है, आपको डरा कर आपके पास से पैसे मांगे जा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो अलार्म है, ये जो साउंड आता है, इससे काफी सारे लोग डर जाते हैं, मतलब पुलिस का सायरन बजने लगता है तो भाई लोग डर जाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आप पॉर्न वेबसाइट पर जाओ देखो। नहीं देखो यार, पॉर्न देखना अच्छी बात नहीं है। मैं कहूंगा कि अगर आपको थोड़ी सी लत लग गई तो धीरे धीरे आप पॉर्न वेबसाइट से अपना नाता तोड़ दो यार, मतलब कम कर दो, क्योंकि पॉर्न वेबसाइट से आपका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो जाता है। और अगर पॉर्न के वीडियो आपके स्मार्टफोन में है और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर देख रहे हैं यानी कि पब्लिक प्लेस पर देख रहे हैं तो ये एक तरह का क्राइम भी है।
तो आप इससे बचे। मैं आपसे कहूंगा कि पॉन्ड देखने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मस्त, एक्सरसाइज करो, बॉडी बॉडी बनाओ, पॉन्ड से थोड़ा सा अपना नाता दूर रखो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जो पॉन्ड देखते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नए ऐप्स के बारे में, नए ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिंपल है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक मेरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।